कोरोना को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन में। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर, तो नए वेरिएंट का कहर अब जारी हो गया है। पंजाब में भी मिला है डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस। लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के सतर्क किया जा रहा है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के कई इलाके में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए। मध्य प्रदेश में एक की मौत के बाद सरकार अब अलर्ट मोड पर दिख रही है। तो ये डेल्टा प्लस नए तरीके का वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कि बेहद सक्रिय बताया जा रहा है। राज्य सरकारों की अब चिंता बढ़ा दी है इस नए वेरिएंट ने। पंजाब में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस मिला है, जिसके बाद जाहिर है पंजाब सरकार की भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के नए नए म्यूटेंट जिस तरीके से सामने आते रहे हैं और दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई, जो कहर बरपाया था, वो किसी भी राज्य सरकार वो एक बार फिर से रिपीट करने की स्थिति में नहीं है, दोहराना नहीं चाहती है। इसलिए सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अब पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है और पूरी तैयारी करने में लगी हुई है। तीसरी लहर आने की बात की ही जा रही थी, लेकिन उससे पहले ये नए वेरिएंट के आने का मामला सामने आया है। डेल्टा प्लस नया वेरिएंट